हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लैंड के छोटे से खूबसूरत से शहर में लेके जा रही हूँ जो अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही फेमस है। उसका नाम है ग्रीनविच। तो आइए चलते हैं ग्रीनविच और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। ग्रीनविच सेंट्रल लंदन से ट्रेन या क्रूज से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हम ग्रीनविच पहुंच चुके हैं और मैं बिल्कुल ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज के बीच में खड़ी हूँ। Conceived as Greenwich Hospital, a home for retired sailors. इस बिल्डिंग को आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, द थोर डार्क वर्ल्ड, द किंग्स स्पीच, पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स में। इस बिल्डिंग में जो आपको ये दो गुंबद दिख रहे हैं, क्रिस्टोफर वेन ने इनको डिजाइन किया था और ये कंप्लीट हुआ था 1712 में। और इस बिल्डिंग के पीछे जो व्हाइट बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो है क्वीन हाउस। अब हम क्वीन हाउस जाएंगे। ये है क्वीन हाउस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। 400 साल पुराने आर्ट एंड आर्किटेक्ट की रॉयल हिस्ट्री है यहाँ पे और रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच भी यहाँ है। इस रॉयल विला को इनिगो जोंस ने 1616 में डिज़ाइन किया था और ये बनाया गया था जेम्स टू फर्स्ट वाइफ एनी ऑफ डेनमार्क के लिए। प्यारा वर्क है, कितना एक बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक डिज़ाइन बनाया हुआ है और उस समय कैसे बनाया होगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे देखने में। पूरी सीलिंग ऐसे बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, पर मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम आते हैं इम्प्रेसिव हॉल में और ये देखिए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है फ्लोर का और ये वाइट एंड ब्लैक रंग के क्यूब्स हैं। ये मार्बल का बना हुआ है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। ये है एनिमेट्रॉनिक रॉयल रोबोट हेड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। और जब हम एलिजाबेथ बोलते हैं तो ये अपनी आंखों से रिस्पॉन्स करते हैं। अभी देखिएगा, मैं एलिजाबेथ बोलूँगी। हेलो एलिजाबेथ। और ये है अर्मिटा पोर्ट्रेट ऑफ एलिजाबेथ। एलिगेंट ट्यूलिप स्टेयर्स, ये फर्स्ट ज्योमेट्रिकल सेल्फ सपोर्टिंग स्पाइरल स्टेयर्स थी। ब्रिटेन में सबसे पहले बनी थी इस तरह की स्टेयर। ये मुझे बहुत ही पसंद लगी, ऊपर से मैं खड़ी हुई थी और नीचे देख रही तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। दुनिया में 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिटियन टाइम, इससे टाइम डिसाइड किया जाता है। 1972 में इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यह टाइम जोन डिसाइड किया गया था। वो यहीं पर है, ग्रीनविच में ही है, यही है पास में। और इस समय मैं क्वीन हाउस के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई हूँ। यहाँ से बहुत ही सुंदर ग्रीनविच पार्क दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, देखा नहीं है, तो अभी चल के देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, मैंने आपको जूम करके दिखाया। और अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पे सब लोग उधर ही जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। ये कितनी
कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइक हेवन लग रहा है। अपने पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं लंदन शहर का सारा व्यू दिखाई दे रहा है, और सारी बिल्डिंग्स देखिए यहाँ से दिखाई दे रही हैं, और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये यहाँ से क्वीन हाउस दिखाई दे रहा है, और जो थेम्स रिवर दिखाई दे रही है उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो दिखाई दे रही है। लंदन शहर की जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ से दिखाई देती हैं सारी की सारी, और बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। इस समय थोड़ा सा हेजे हो रहा है कि शाम का समय है, तो थोड़ा सा धुंधला सा ऐसे शाम को हो जाता है, शाम की धूप है तो वैसा लग रहा है। और ये था आज का वीडियो, और लंदन के क्रिसमस का टाइम है और लंदन में हम लोगों ने बहुत घूमा क्रिसमस पे, तो मैं आपको वो सारे वीडियो दिखाऊंगी अभी, और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।